हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी, और आज का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, डेटा प्राइवेसी कंसर्न ओवर व्हाट्सएप न्यू पॉलिसी। तो दोस्तों, यहाँ पर व्हाट्सएप में एक नई पॉलिसी आई गई है जिसका जो चर्चा है वो बहुत हाइप पर है। काफी लोग इस पर बहुत बातें कर रहे हैं कि ये क्या पॉलिसी है, क्या ये हमारी प्राइवेसी को अफेक्ट करेगा। ये सारी चीजें आज हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो यहाँ से डाली जाए तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के फोन पर पॉप आउट हो जाए दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप लोग को इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोगों को हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो भी रिसेंटली या फिर कोई भी चेंजेस की नोटिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स और रिजल्ट्स, तो आप लोग को सबसे पहले वहीं पर ही नोटिफाई किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत बना लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए कि अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली आपको करंट अफेयर्स का सेशन सुबह 8-7 बजे मिलेगा, और उसी के साथ साथ इंग्लिश वो कैप्स का जो सेशन आप लोग के लिए रहेगा वो 8 बजे सुबह रहेगा दोस्तों। डेली आपको ये अपडेटेड चीज यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड करी जाएगी ऑन द डेली बेसिस, राइट। जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स का जो दबदबा है, जो वेटेज है आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो आपके करंट अफेयर्स आपके कमांड में होने चाहिए, आपके टिप्स पर होने चाहिए। इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अविजन एसएससी बैंक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर जाकर जरूर विजिट करिए दोस्तों, अपने आप को रजिस्टर करवाइए, क्योंकि डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी आप लोग को वहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये जरूर करिएगा ताकि आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेट पॉलिसी के ऊपर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, पूरी चर्चा करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, अगर मैं आप लोग के साथ बताना चाहूँ मैं आप लोग अभी व्हाट्सएप सब यूज करते हैं ऑन द डेली बेसिस, हम लोग व्हाट्सएप हर 2-2 मिनट में खोलते हैं दोस्तों। तो बेसिकली व्हाट्सएप के बिना आजकल लाइफ देखी जाए तो बहुत ही ज्यादा मतलब मैं बोलूं तो एक अधूरी सी है। बिना व्हाट्सएप कुछ भी आजकल नहीं हो पाता, बड़े से लेकर बुजुर्ग, बच्चों से सबकी चीजें, और इवन लॉकडाउन आने के बाद तो स्कूल भी पूरी डिजिटलाइज हो चुकी है, सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उतर चुके हैं। तो व्हाट्सएप इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले यहाँ पर करता है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को सीधी सी एक बात बता दूं कि आजकल आप लोग जरूर इस चीज को फेस कर रहे होंगे कि आप लोगों के पास टाइम टू टाइम एक नोटिफिकेशन आता होगा दोस्तों, जहां पर आप लोगों के टर्म्स एंड पॉलिसीज लिखे रहते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और यहाँ पर आप लोग का अग्री का एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी है कि बेसिकली आपको ये जो व्हाट्सएप के जो टर्म्स एंड नई पॉलिसीज आई है उसको 8 फरवरी 2021 तक एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें व्हाट्सएप का कहना है कि जो भी इस टर्म पॉलिसी को अग्री नहीं करेगा 8 फरवरी तक, उसके बाद वो व्हाट्सएप को यूज नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है, भले ही वो कोई एंड्रॉइड यूजर हो या आईओएस यूजर हो, सबको ये करना जरूरी है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को इधर क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे चलते दोस्तों, और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या बोलता है। तो व्हाट्सएप हैज अपडेटेड इट्स प्राइवेसी पॉलिसी एंड यूजर्स हैव अंटिल फरवरी 8 टू एक्सेप्ट द न्यू टर्म्स एंड कंडीशन। द न्यू पॉलिसी सेज हाउ यूजर डेटा इज इंपैक्टेड व्हेन देयर इज इंटरैक्शन with a business on a platform and provides more details on integration with Facebook, WhatsApp parent company. तो basically दोस्तों, अब जो Facebook हो चुका है वो WhatsApp खरीद चुका है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि Facebook अब क्या बन चुका है, WhatsApp का parent company बन चुका है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं अब WhatsApp के जो भी details होगी वो आप लोग की Facebook के साथ यहाँ पर share की जाएगी दोस्तों। तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जितनी privacy पहले WhatsApp अब देता था, क्योंकि आप लोग को जरूर ध्यान होगा फ्रेंड्स कि एक लाइन लिखी हुई आती थी हमेशा, जब भी हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आप लोग के नीचे यहाँ पर एक लाइन आप लोग को जरूर देखने को मिलेगी, दैट रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी इज कोडेड इनटू आवर डीएनए। तो इसका मतलब क्या है कि व्हाट्सएप पहले बोलता था कि भैया हमारे डीएनए में है कि हम आप लोगों के डेटा को क्या करेंगे, एकदम प्राइवेसी करके उसकी रखेंगे। बट यहाँ पर अब ये जो लाइन है, आप कभी भी देखोगे खोलकर अपना व्हाट्सएप तो नीचे आपको ये लाइन दिखाया जाएगा, ठीक है, बताते हैं लिखा हुआ आता है ये लाइन, लेकिन अब आपको ये लाइन नहीं दिखेगी, नहीं लिखा हुआ आएगा। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर
सीधी सी बात है कि फ्रेंड्स फेसबुक ने इसको क्या कर लिया है, ओन कर लिया है, पहली बात तो ये। तो अब जब दूसरी कंपनी आ चुकी है, ठीक है, अब जब दूसरा प्लेटफॉर्म आ चुका है तो वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। इवन आप लोग एक और वर्ड जरूर देखते होंगे, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, ये जरूर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, वाइल मैसेजिंग ऑल्सो और वाइल वीडियो कॉलिंग, तो ये वर्ड आप लोगों ने जरूर देखा होगा, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तो अब इसका मतलब क्या होता है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि ये जो आपके मैसेजेस है वो किसी और को नहीं दिखेंगे, किसी और के साथ शेयर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पर क्या कर दी, खत्म कर गए, खत्म कर दी गई है दोस्तों। यही वो स्क्रीनशॉट है जो मैंने लेके रखा है दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये स्क्रीनशॉट है, ऐसे आप लोगों के फोन वो जो व्हाट्सएप है उस पर पॉपअप होता रहता है ये, ठीक है, टाइम टू टाइम ये आपको देता रहता है। आपको ये अग्री का बटन दबाना ही होगा, नहीं तो 8 फरवरी के बाद आप लोग का जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या फिर आप अपने फोन पर व्हाट्सएप नहीं यूज कर पाओगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बोथ एंड्रॉइड एंड आईओएस यूजर्स रिसीव्ड अ फुल स्क्रीन पॉपअप ऑन देयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ द की अपडेट्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर दिखाया है। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने एक और चीज फेस की होगी, जब भी आपको कोई जैसे मानो यूट्यूब पे कोई भी एक सॉन्ग का अगर लिंक कोई भेजता है, ठीक है, किस पे, व्हाट्सएप पे भेजता है, तो आजकल व्हाट्सएप क्या करता है, आप जैसे ही उस लिंक को क्लिक करोगे ना, तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे नहीं जाकर आपके स्क्रीन पे ही वो प्ले होने लग जाएगा। अब आप एक बात समझो कि जिस साइट का वो लिंक भेजा है वहां पर नहीं जाकर वो आपके सिर्फ फोन स्क्रीन पर, आप लोगों ने जरूर ये चीज नोटिस की होगी, पक्का आप लोगों ने फेस की होगी ये चीज, कि आप लोग की स्क्रीन के नीचे ही एक स्क्रीन खुल जाती है और वहीं पर ही सब कुछ प्ले होना शुरू हो जाता है। इवन फेसबुक का भी अगर कोई लिंक भेजते हैं वीडियो का तो ऐसे ही होता है, आप लोगों की व्हाट्सएप स्क्रीन पर ही क्या होने लग जाता है, वो प्ले होने लग जाता है वीडियो। तो ऐसा क्यों, तो एक चीज समझना, आपके व्हाट्सएप से जो भी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जुड़े हैं उनसे आप लोगों का डेटा यहाँ पर क्या किया जा रहा है दोस्तों, शेयर किया जा रहा है। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। इवन आप एक और चीज समझो कि जब भी हम लोग अपना फोन चेंज करते हैं या फिर मैं बोलूँ तो जैसे बैकअप लेते हैं, ठीक है, तो बैकअप लेते हैं तो वो बैकअप सेव कहाँ पर होता है, वो होता है आप लोग का गूगल ड्राइव में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों पहले भी तो अपने डेटा कहीं ना कहीं किसी के साथ शेयर हो रहे थे, गूगल के साथ तो शेयर हो ही रहते हैं, क्योंकि जैसे आज मानो मैंने MI का फोन पहले यूज किया, उसके बाद मेरे पास वन प्लस आ गया, तो मैंने इसे क्या किया, रीसेट किया अपने फोन को, मतलब जब मैंने नया फोन को खोला, वन प्लस खोला, तो मैंने उसमें व्हाट्सएप डाउनलोड किया और मैंने क्या किया, पूरा सारा जितना भी मेरा डेटा था उसको रीबैक कर लिया। तो रीबैक किस वजह से हुआ, कि मेरे गूगल ड्राइव में सारी चीजें सेव थी, तो मानो जितने भी लोगों से मैंने पहले जिसमें चैट्स की थी, जो भी मेरे चैट्स थे, वो सारे वापस से क्या हो गए, मेरे पास बैकअप आ गया पूरा। तो कहीं ना कहीं तो ये गूगल ड्राइव के साथ शेयर हुआ ही है ना फ्रेंड्स, तो ये थर्ड पार्टी तो यहाँ पर इंक्लूड हुई हुई है। इवन आज अब दोस्तों एक और चीज जो आप लोगों को बतानी चाहिए मुझे डेफिनेटली, अब क्या होगा ना, आप लोगों का जो व्हाट्सएप है, इवन आपके पूरी हार्डवेयर डिटेल भी अपने आप में लेगा, ठीक है, जैसे कि आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो, आपकी बैटरी स्टेटस क्या है, आपका सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी चीजें, इवन आप लोगों का ISP नंबर, मोबाइल ऑपरेटर कौन सा है, वोडाफोन यूज करो, जियो यूज करो, क्या यूज करो, IP एड्रेस, टाइम जोन, लोकैलिटी के भैया कौन से स्टेट से हो, कौन से सिटी में बैठे हो, सारी चीजें, ऐप का वर्जन कौन सा है, ब्राउजर कौन सा यूज कर रहे हो, सारी चीजें यहाँ पर अब क्या करेगा कि व्हाट्सएप कलेक्ट करेगा दोस्तों। तो आप एक बात समझ पा रहे हो कि व्हाट्सएप अब कहीं ना कहीं आपके प्राइवेसी पे थोड़ा सा लेके इस पे सवाल उठाया जा सकता है, ठीक है। पहले की जो प्राइवेसी पॉलिसी थी उसमें ये सब चीजें नहीं होती थी, पहले का व्हाट्सएप जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं रिसेंटली, मुझे तो लगता है कि मैंने अभी तक अग्री नहीं किया है इस टर्म्स एंड पॉलिसीज को, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि मेरी बैटरी स्टेटस की भी उसको मालूम चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब आने वाले टाइम में जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि ये फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या करेंगे, गैदर करेंगे सब चीजों की, हार्डवेयर वगैरह सब कुछ, तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों। इवन आप लोग की सिटी कौन सी है, लोकेशन कौन सी कंट्री से आप लोग हो, सारी चीजें, सबसे बड़ी बात तो IP एड्रेस यहाँ पर आप लोगों का क्या किया जाएगा, व्हाट्सएप के साथ शेयर किया जाएगा, ये बात भी आप लोगों को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। तो दोस्तों ये थी सारी चीजें जो आप लोगों को बतानी चाहिए थी, न्यू जो पॉलिसी आई है व्हाट्सएप की उसके लिए, उसके रिगार्डिंग। तो आई गेस अब आप लोग सोच समझ कर सारी चीजों को यूज करोगे, अपने जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है या फिर कुछ भी है, पिक्चर्स है या फिर व्हाटएवर सॉन्ग्स वगैरह जो भी आप लोग है, तो उन्हें थोड़ा सोच समझ कर आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि आगे पता नहीं है कि किस तरीके से ये रिएक्ट करेंगे। तो कुछ दिन रुक जाइए, जरूर इसको अग्री तो करना ही होगा, अदरवाइज आप व्हाट्सएप नहीं यूज कर पाओगे अपने फोन्स में, बट हाँ थोड़ी सी सावधानी बरतना एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा फ्रेंड्स। तो ये था आप लोग का पूरा वीडियो ऑन दिस
न्यू प्राइवेसी पॉलिसी ऑन व्हाट्सएप। आई गेस कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी इन वीडियोस का दोस्तों फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।